सुनील ग्रोवर की कॉमेडी फिल्म कॉफी विद डी को रिलीजिंग डेट से एक दिन पहले टाल दिया गया है। कॉफी विद डी कल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ से मिल रही धमकियों के बाद प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को टालने का फैसला किया है और मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस को की है। आपको बता दें कि कॉफी विद डी एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें सुनील ग्रोवर एक मशहूर टीवी जर्नलिस्ट का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में वो दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू करना चाहते हैं। फिल्म में दाऊद के किरदार में जाकिर हुसैन है। इन दृश्यों को मजाकिया अंदाज में दिखाया गया है। इसी को लेकर प्रोड्यूसर विनोद रमानी, डायरेक्टर विशाल मिश्रा और सुनील ग्रोवर को धमकी भरे फोन आ रहे हैं और दाऊद से जुड़े दृश्यों को फिल्म से हटाने के लिए कहा जा रहा है। धमकी में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बारे में प्रोड्यूसर विनोद रमानी का कहना है कि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है चीजें आसान नहीं है। हम नई उम्मीद के साथ हर दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो खुद को अंडरवर्ल्ड का डॉन बताने वाला दाऊद इब्राहिम महज एक मजाक से डर रहा है और अपने गुर्गों को फोन कर कह रहा है कि फिल्म ना रिलीज होने पाए। फिलहाल इसकी शिकायत पुलिस से की जा चुकी है। मामले की जांच जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।